विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश ओम नमस्ते गणपते गणपति बप्पा पधारिए वो ग्रहण कीजिए त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि ये तो 10 के 10 ही लड्डू हैं एक भी कम नहीं हुआ अर्थात आज गणपति बप्पा को भी विलंब हो गया मैं एक बार उन्हें फिर आमंत्रित करता हूँ अभी भी 10 के 10 लड्डू ही हैं क्या हुआ आज गणपति बापा आ क्यों नहीं रहे हैं मुझसे कोई भूल हो गई है क्या आज प्रभु आप आ क्यों नहीं रहे हैं देखिए ना बूंदी के कितने स्वादिष्ट लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए इतना दूर चलकर आया हूँ प्रभु पूजा भी पूरी विधि संपन्न की है फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं आना चाहिए ना आपको कृपा कीजिए ना आ जाइए ना गणपति बप्पा प्रभु आपके लिए मैंने मिष्ठानों का मोह त्याग दिया पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है पुराना वाला मोरिया होता ना तो सब चट कर चुका होता अभी तक अब जब मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूँ तो थोड़ी कृपा आप भी कीजिए ना आइए ना प्रभु अन्यथा बाबा मुझे ही दोष देंगे प्रभु अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपके सामने बहुत रोऊंगा इस पत्थर पर अपना सर पटक कर रोऊंगा तब देखना तब तो आएंगे ना आप आइए ना प्रभु आइए ना आइए प्रभु रुको मौर्या देखो मैं आ गया गणपति बप्पा आप आ गए ओम गम श्री प्रसाद नय नमः लीजिए गणपति बप्पा लड्डू खाइए अपने हाथों से नहीं खिलाओगे करते गज वक्र को शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको आपदा भय हरते तुम सारे जग को गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको जय देव जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता जय देव जय गणपति बापा तो पूरा भोग खा जाएंगे प्रसाद के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरा प्रसाद है तुम्हारे लिए मौर्या गणपति बप्पा आप चले भी गए कोई बात नहीं बाबा ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे मैंने अपने हाथों से आपको भोग खिलाया है उस दिन मौर्या के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी इस घटना ने मौर्या को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपार हर्ष के साथ वो अपने घर पहुंचा बाबा 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 ये क्या पुत्र हाल में कुछ भी नहीं है भोग चढ़ाकर प्रसाद नहीं लाए बाबा आज गणपति पापा को लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे सब खा लिया उन्होंने बाबा सच कह रहा हूँ बहुत प्रेम से खाया
अपने हाथों से खिलाया। पुत्र, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना उससे बड़ा पाप है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बाबा, गणपति पापा नहीं खाए हैं सब। अच्छा, पर तुम्हारे मुख पर लगा ये कर्ण तो कुछ और कह रहा है। ओ, ये वो अंतिम लड्डू बचा था ना, तो गणपति पापा ने मुझे अपने हाथों से खिलाए थे। झूठ बोल रहे हो तुम। लड्डू की लालच में तुम्हारा पुराना स्वभाव फिर से जाग उठा और मार्ग में तुमने सारे लड्डू खा लिए। नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोलता। गणपति पापा की भक्ति ने मुझे एक नवीन रूप दिया है। वो स्वयं आए थे मेरे हाथों से लड्डू ग्रहण करने। ठीक है, अब चलिए और देख लीजिए, मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने हाथों से भोग खिलवाऊंगा। अच्छा, तो फिर चलो ये भी देख लेते हैं। गुरु प्रसाद के रूप में, ईश्वर में, उनके नाम में बालक मौर्या को जो रुचि मिली थी वो उसकी भक्ति का आरंभ था। फिर उसके मन में प्रभु प्रेम का जागना, जिसके कारण मैं उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए विवश हुआ, ये उसकी भक्ति का दूसरा चरण था। किंतु अब उसके तीसरे चरण में उसकी भक्ति की बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि अब उसे प्रमाणित करना था अपने प्रभु पर अपना विश्वास। पापा, चलो बुलाओ गणपति पापा को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ। गणपति पापा, एक बार आइए, मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे, मुझे निर्दोष प्रमाणित कर देंगे। आज यदि गणपति पापा नहीं आए तो ये प्रमाणित होगा कि तुमने झूठ बोला था, और तुम्हारा ये झूठ मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। गणपति पापा, पहले झूठ बोलते हो फिर स्वान से उस झूठ को छुपाना चाहते हो। नहीं बाबा, प्रभु आए थे, मैंने प्रार्थना की थी, बार बार बुलाया था उन्हें, यहाँ तक कि अपना सर भी पटकने वाला था। रुको मौर्या, देखो मैं आ गया। गणपति पापा, यदि आप नहीं आए ना,
तो आपका ये भक्त अपना सर पटक पटक के आपके चरणों को अपने आंसुओं से धो देगा। फिर तो दया करनी होगी आपको, आना ही होगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र, ऐसे नहीं करते। नहीं पिताजी, मत रोकिए मुझे, गणपति बप्पा ऐसे ही आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही दर्शन दिए थे इन्होंने। पुत्र नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या। प्रभु मुझे पता था मेरे गणपति बप्पा अवश्य आएंगे। देखा बप्पा, आगे ने बप्पा। शीघ्र आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम माता पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। गणपति बप्पा लड्डू खाइए। आंखों को तृप्ति मिल गई, जीवन सफल हो गया प्रभु, आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। तुमसे रुष्ट हूँ मौर्या। क्यों, क्यों गणपति बप्पा? बार बार विवश कर मुझे क्या, किसी को भी बुलाना उचित नहीं। भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है, इसके लिए स्वयं को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। किंतु ऐसा ना करूं, अब आते नहीं ना गणपति बप्पा, फिर क्या करता मैं, आपके दर्शन कैसे पाता प्रभु? अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति और असीम विश्वास हो तो आराध्य प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ध्यान रखना वत्स। उचित है गणपति बापा, आज के बाद मैं आपको अपनी भक्ति से ही बुलाऊंगा। दिन रात आपकी सेवा और पूजा करूंगा। हर मंगलवार नहीं, प्रतिदिन आऊंगा आपको प्रसाद चढ़ाने। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब स्वयं को हानि पहुँचाने की बात भी नहीं करूँगा। और आप भी वचन दीजिए, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। ऐसा भव्य दर्शन कि सबका जीवन सफल हो जाए। मैं वचन देता हूँ मौर्या। देखा बाबा, एक लड्डू कम है इसमें। बप्पा कितने चाव से खा कर गए हैं। पुत्र, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया और कृतार्थ भी। तुम्हारे कारण आज मुझे भी गणपति बाप्पा के दर्शन का सौभाग्य मिला। चलिए बाबा, अब सबको चलकर ये अद्भुत प्रसाद बांटते हैं और सभी को बताते हैं कैसे गणपति बाप्पा ने कृपा की, हमको दर्शन दिए। चलिए। तुम तो सत्य कहोगे पुत्र, किंतु तुम्हारे सत्य पर विश्वास कौन करेगा? प्रार्थना और भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि सब ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे सब स्वयं पर निर्भर है। इसलिए तो प्रभु महादेव सबको अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का पथ दिखाते हैं। भूल हुई मुझसे, इसलिए तो मैं भटक गया। पुष्पदंत जी ने भूल स्वीकार की तो उसका प्रभाव होना आरंभ हो गया। किंतु मुझे विश्वास है मौर्या भक्ति के मार्ग से नहीं भटका होगा। आपका विश्वास उचित है,
किंतु भक्ति में विश्वास के मार्ग पर भक्त को अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं और वो कदापि सरल नहीं होती। ताई, 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 प्रसाद लीजिए, अति विशेष है ये। क्यों? गणपति बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए। ताई, इतना प्रकाश हुआ था, पापा प्रकट हुए थे, अपनी सून से लड्डू उठाया। हाँ हाँ ठीक है, अब जब भी नारियल बड़ी बनाऊंगी तुम्हारे पास अपने आप पहुँच जाएगी, उसके लिए इतनी कथा घड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला काका, ये कहाँ से प्रकट हुआ? प्रसाद लीजिए। किस लिए? अब सोच भी नहीं सकते मंदिर में क्या हुआ आज। अच्छा अच्छा, आज मक्खन नहीं बना, जब बनेगा ना तब अवश्य बुलाऊंगा। हाँ, अब तू जा। अरे अरे, मैं मक्खन के लिए कथा नहीं बना रहा हूँ। फिर विश्वास कीजिए, बड़ी भव्य घटना थी। अति भव्य? हाँ, मंदिर में प्रकाश हुआ। हाँ? गणेश जी की सूंड आई और लड्डू खा गए। तुम्हारी कथा समाप्त हो गई हो तो हम लड्डू खा ले। अरे मित्रों, कथा नहीं है ये, सत्य है। वचन दिया उन्होंने मुझे भव्य दर्शन देंगे, तो हम भी तुम पर उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें। इस मनगढ़ंत कथा को नहीं सुनना हमें, चलो। अरे सुनो तो मित्रों। मैंने कहा था ना पुत्र, कोई विश्वास नहीं करेगा, चल। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? आई, आप भी विश्वास नहीं करेंगी, किंतु बाबा ने देखा था, गणपति बप्पा ने दर्शन दिए थे मुझे। ताई, बोला काका, मेरे मित्र सभी यही कहते हैं, कहानी गढ़ रहा हूँ मैं। रो मत पुत्र, समय आने पर सब तुम पर विश्वास करेंगे, किंतु अभी तो तुम्हें अपना विश्वास अडिग रखना है, अपने गणपति बप्पा पर। और पुत्र, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, पर उसे रहना भी चाहिए, जैसा तुम्हारा प्रभु पर विश्वास। हाँ बाबा, मैं ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रतिदिन मोरेश्वर मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, फिर से उनके दर्शन जो चाहिए मुझे। ये क्या कर रहे हो पुत्र? बाबा, अभी गणपति बप्पा को भोग लगा के आया। गणपति बप्पा, भोजन स्वीकार कीजिए। अब वो जो भी करता पहले मुझे स्मरण करता। प्रभु दर्शन की आस में भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो उसे बस अपने प्रभु का स्मरण रहता है, फिर समय पढ़ाई का हो या खेल का या कोई अन्य समय। लो गेंद पकड़ो मोरिया। गेंद क्यों नहीं पकड़ी मोरिया? कीचड़ में चली गई। गेंद छोड़ो मित्रों, वो बादल देखो, गणपति बप्पा की सूंड जैसा है। मित्र कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों वहाँ देखो, वहाँ। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बस गणपति बप्पा ही दिखाई देते हैं इसे। हाँ, वो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हैं, इसलिए तो जहाँ देखो वहीं दिखाई देते हैं गणपति बप्पा। हाँ, तुम्हारे
पीछे देखो, वृक्ष पर भी है वो। कहा मित्रों? हाँ है ना, वो देखो मौर्या, उधर भी गणपति पप्पा है। ऐसी असाधारण अद्भुत आस्था से जब भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो सामान्य जन ना उसकी बातें समझ पाते हैं और ना ही उसकी भक्ति। वो तो ये मान लेते हैं जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो, उसका उपहास करते हैं। अध्यात्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति मोह का त्याग कर भक्ति करे। मुझ पर अटूट विश्वास रखकर मोरिया प्रतिदिन मीलों चलकर मेरे मोरेश्वर मंदिर पहुंचता था। सबके उपहास को सहकर ऐसा वो वर्षों तक करता रहा। ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर भगवान अपने हृदय के द्वार भी खोल लेते हैं। एक बार तो उसके लिए मुझे स्वयं मंदिर के बाहर आना पड़ा।